चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। नोएडा के थाना सेक्टर 24 पुलिस ने एक ऐसे बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है जो दूध, सब्जियां व रोजमर्रा की जरूरतों का सामान बेचकर घरों की रेकी किया करते थे। पकड़े गए अभियुक्तों द्वारा नोएडा के सेक्टर 52 में एक बंद मकान का ताला तोड़कर घर से लैपटॉप, नकदी व ज्वेलरी भी चोरी की थी। पकड़े गए अभियुक्तों द्वारा सेक्टर 52 की चोरी कबूल की। आपको बता दें, अभियुक्त सोनू वर्तमान में खोड़ा जनपद गाजियाबाद में रहता था। मुकेश थाना खोड़ा क्षेत्र गाजियाबाद के रहने वाले हैं। पकड़े गए तीनों अभियुक्तों के कब्जे से चोरी में प्रयोग होने वाला सामान, तमंचा, सब्बल एवं उनके कब्जे से पीली सफेद धातु, घड़ी, नकदी, सेंट्रो कार्ड 315 का तमंचा, कारतूस व अन्य चीजों को भी बरामद किया गया है। मुकेश गुप्ता, नोएडा, समाचार 24। सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में फ्लैट में एक ही रात्रि में दो चोरी लगातार हो गई थी। इसके अलावा भी उसी सेक्टर में एक और बार पहले चोरी हुई थी। इसमें हम लोगों का टीम सीसीटीवी फुटेज जो सोसाइटी में लगे हुए थे वो सब अनलाइज किया। फिर रास्ते में क्या क्या सीसीटीवी फुटेज वो सब अनलाइज किया। अनलाइज करने में कुछ क्लू मिल गया था। क्लू मिलने में ये पता चल गया कि एक लड़का बादलपुर का रहने वाला है। वो उसी सोसाइटी के आसपास पूरा दूध वगैरह बेचता था, वो रेकी करता था। तो उनको हम लोग तलाश कर रहे थे, तो इनका साथ ही और दो लोग भी प्रकाश में आ गया फिर पूछताछ में। तो ये जो मेन मुलजिम है करण जाट, ये एक असम की लड़की से शादी करके वो असम भाग गया था। तो जब ये तीनों जितने चोरी किए गए थे जो वो सब सामान बेचने के लिए प्लान बना के इकट्ठा हुए थे, तब मुखबिर के द्वारा हमको सूचना मिल गई थी। तो पूरा टीम जाके इन लोगों को दौड़ा है। उसमें ये करण जाट जो मुख्य अभियुक्त है वो भागने के समय कूद गया था। उस समय उनको पैर में चोट भी है। इन लोगों का कब्जे से अभी 84 ग्राम लगभग पीली धातु, सोना और पायल, 6 महंगा वॉचेस सब मिला है। इन लोगों का और पूछताछ किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ ये लोग नोएडा में फ्लैट में कहाँ कहाँ चोरी करते हैं। आगे कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ये बंद घर में ये लोग पहले जो दूध बेचता था वो रेकी करता था। रेकी करने के बाद ये खुद शामिल होता है उस चोरी करने के लोगों के गैंग में, और मौके पाते ही ये लोग ताला तोड़ के पूरा चोरी करके चले जाते थे। नहीं, ये तो जब दूध बांटने आता था उस समय इनको पता चल रहा था कि कौन लोग छुट्टी कहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इस तरह का उनको पता चल रहा था। तो पूछताछ में यही बताया कि मैं सामान्य रूप से मैं आता जाता था, इसलिए मेरे ऊपर कोई शक नहीं करता था। तो जब हम लोग इनको पकड़ने गए थे तब ये पूरा कहानी खुल गई थी कि ये रखी करके पूरा इन चोर को गैंग के साथ ये भी आता था।